सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आप पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट बनाने में अगर आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग। स्टॉक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, किन स्ट्रैटजीज को फॉलो करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, सभी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप स्टॉक्स ट्रेडिंग को कर सकते हैं, बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक्स ट्रेडिंग क्यों करें सर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका बहुत ही बढ़िया आंसर है मेरे पास। देखिए, हर प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर आप बात करने जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम जनता ऑप्शंस करती है, ऑप्शंस वालों के लिए भी ये वीडियो है, तो प्लीज़ ऑप्शंस वाले भी इस वीडियो को देखेंगे ध्यान तक। तो हर प्रोफेशनल बोलता है पहले आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में नॉर्मल ट्रेडिंग करो, जैसे रिलायंस, TCS, अडानी, विप्रो। तो हम लोग थे कि हर प्रोफेशनल बोलता है कि आपको पहले स्टॉक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसका लॉजिक ऐसे आता है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले आपको ABCD सीखना पड़ेगा। अगर आपको फरारी चलानी है, स्पीड वाली कार, 150, 200, 300 वाली, तो पहले आपको 20, 25, 50 पे स्लो स्पीड वाली कार सीखनी पड़ेगी। तो पहला हो गया, आपको स्लो एंड स्टडी प्रोसेस मिलती है। दूसरा, टाइम डीके, थीटा डीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे 5,000, 10,000 छोटी कैपिटल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5,000 की कैपिटल है, 2,000 की कैपिटल है, 3,000 की, 20-25 रुपए वाली कॉल पुट उठा के ट्रेडिंग करते हैं और वो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, टाइम डीके नहीं होता है, जो भी लॉस होगा वो केवल आपका क्या होगा, आपके अगेंस्ट मूवमेंट का होगा। तो ये बहुत बढ़िया फायदा, प्रॉफिट होगा अगर आपके साइड मूवमेंट हो गया, भले मार्केट स्लो गया तब भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है, आपके पास चॉइस रहती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी अगर साइडवेज रह गया, स्पेसिफिक निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपको ओवर ट्रेडिंग आपसे हो जाती है, बिकॉज ट्रेड ही नहीं है। स्टॉक्स में आपके पास ऑप्शन है, रिलायंस में नहीं बना, अडानी में बन गया, अडानी में नहीं बना, विप्रो में बन गया, विप्रो में नहीं बना तो TCS में बन गया। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो आपको स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें कवर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। एक छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कम से कम 10,000 लाइक। सभी लोगों को आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, जो भी आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जिससे कि सभी का हेल्प हो। और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेगमेंट स्टॉक्स में, किस सेगमेंट में, मतलब आप इंडेक्स, मतलब जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं किस में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, इंडेक्स में करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में करते हैं, कि इंडेक्स ऑप्शंस में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, करेंसी में करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो चलिए गाइस, देखिए हम लोग सभी चीज़ों को एकदम बेसिक से कवर करेंगे। पहली चीज़ कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप जाके देखेंगे NSE स्टॉक लिस्ट, ठीक है, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर मैं आपको इधर जाके दिखाता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक्स के नाम बहुत सारे हैं। कितने स्टॉक्स को आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, मतलब थाउजेंड से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर किन स्टॉक्स में ट्रेड करें। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारा स्टॉक्स में ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, तो लिमिटेड स्टॉक्स को ट्रेड करना है। अब वो लिमिटेड स्टॉक्स कौन से हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए गाइज, ये मेरे कोर्स का पार्ट है वॉचलिस्ट, ये वॉचलिस्ट के शेयर्स हैं। इस वॉचलिस्ट के शेयर्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली आपको अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, जरोदा, एंजल, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं। तीन वॉचलिस्ट की इमेजेस हैं, 1, 2, 3। अब इन्हीं स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, इसके अलावा आपको किसी भी दुनिया के अलग स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। जितने फेमस स्टॉक्स हैं, रिलायंस, TCS, अडानी, विप्रो, इन्फी, बजाज ऑटो, बजाज फिनसॉप, सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, सन टीवी, ये वो स्टॉक्स हैं। देखिए, बैकटेस्ट किया गया है, ऐसे नहीं बनाया गया, बैकटेस्ट किया गया, कम से कम 5 साल हर स्टॉक का बैकटेस्ट किया गया है सभी स्ट्रेटजीज पे। ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें एक स्मूथ मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो इन वॉचलिस्ट को, मतलब इन स्टॉक्स के वॉचलिस्ट को आपको ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि इन्हीं लिमिटेड स्टॉक्स की स्टॉक्स की लिस्ट में आपने ट्रेड करना है। अब देखिए गाइज, दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैपिटल का, कि कितनी कैपिटल है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कैपिटल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैक्सिमम लोग जिनकी कैपिटल स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल है, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ स्टॉक्स ही ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपकी कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लॉट वाली बातें नहीं आ पाएगी, बिकॉज स्टॉक्स की बात है, स्टॉक ऑप्शंस नहीं करने, हमें नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आप स्मॉल स्टॉक्स की, मतलब सॉरी, स्मॉल कैपिटल है, जैसे आपकी कैपिटल है
5,000 या फिर उससे भी नीचे है, 10,000 है या फिर 20,000 के नीचे है, अगर आप या फिर आपकी कैपिटल 5,00,000 भी है ना, मैं बोलता हूँ ठीक है, बट अगर आप अभी बिगिनर हैं, 2-4 महीने से स्टार्ट किए तो आप बिगिनर की स्टेज में आते हैं, कैपिटल से ट्रेडर नहीं बनता है, ट्रेडर बनता है प्रोसेस से। तो जो भी आपकी कैपिटल है आप उस कैपिटल को कैसे डिप्लॉय करने वाले इसको समझ लीजिएगा ठीक है। 1% रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 1% रूल क्या बोलता है, 1% रूल और 2% रूल अगर थोड़े से एग्रेसिव है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी कैपिटल 20,000 है और आपको दिखता है, अभी स्ट्रेटजीज में आपको आगे बताऊंगा कि रिलायंस में कोई ट्रेड बन रहा है, मान लीजिए एक ब्रेकआउट का ट्रेड बन रहा है, तो आप रिलायंस में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस को हटा दीजिए ठीक है, रिलायंस ही ले लीजिए ठीक है, रिलायंस का शेयर का प्राइस मान लीजिए 3,000 रुपये है और 2,990 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि आप 20,000 की कैपिटल पे 1% मतलब 200 रुपये से ज़्यादा, 2% का रूल फॉलो करते हैं तो 400 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब 20,000 की कैपिटल पे आप एक ट्रेड में 400 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हैं ठीक। अगर आपका दो ट्रेड ठीक है, दिन में दो ट्रेड करना चाहिए, अगर आपके दो ट्रेड हो गए तो आपको पीसी बंद कर देना चाहिए। तो रूल आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपकी कैपिटल है उसका 1% या फिर 2% ही आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है। स्ट्रैटजीज जब बताऊंगा वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मैंने आपको क्यों समझाया, इसके पीछे भी मैथ्स है। देखिए नॉर्मल लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, 5,000 की कैपिटल है ठीक, पूरा पैसा लगा दिया OTM वाली पुट में ठीक, मार्केट हो गया साइडवेज, उठा लिए 2-4 लॉट, सीधे हो गई कैपिटल जीरो ठीक, सीधे कैपिटल हो गई जीरो ना ठीक है। अब क्या होता है कि एक कहावत है कि जब तक आप फील्ड में बने रहेंगे तब तक आप जीतेंगे, फील्ड से बाहर हो गए तो आपका मार्केट या फिर मैच जीतना ही इम्पॉसिबल है ठीक है। तो स्टॉक्स में क्या फ़ायदा होता है, अगर आप 5,000 से चालू करते हो और मैं कहता हूँ 200 रुपये का भी रिस्क लेते हो, तब भी भाई आपको बहुत समय लग जाएगा उस पूरा कैपिटल को ब्लो आउट करने में। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप फील्ड में बने रहोगे और आप 4 से 6 महीने भी टिक गए ना ठीक है, तो आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो इस चीज़ को आपको मैंने इसी साइकोलॉजी के पीछे ये कंडीशन मैंने आपको बताई है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी यही समझा देता हूँ। जैसे अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो 10-12% का टारगेट होता है, यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 0.5% से 1.5% के बीच में। रिस्क भी आपका होना चाहिए 0.5% से 1% के बीच में। किसका, शेयर के प्राइस का। शेयर का प्राइस का मतलब क्या है, अगर शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 0.5 से मिनिमम 1.5% के बीच में, मतलब मान लीजिए 5 से 15 रुपये के बीच में। सेम चीज़ स्टॉप लॉस भी आपका 5 से 10 रुपये के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स में वोलेटाइल मूवमेंट बहुत कम होती है, मतलब अंधाधुंध नहीं होती है, वोलेटाइल मूवमेंट बहुत ऑप्शंस की तरह होना भी रिस्की है बिगिनर्स के लिए, तो ये आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद हो जाता है। कुछ और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, दो टाइम फ्रेम आपको यूज़ करने हैं, आप यहाँ से टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट आप यूज़ करेंगे एंड दूसरा आप यूज़ करेंगे 15 मिनट। मैं पहले इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ केवल एंड केवल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट एंड 15 मिनट। यहाँ पे आ गया आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको यूज़ करने हैं, नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ करना है, इसके अलावा ये सब रिंको हाइकेनेसी कॉलम्स एरिया लाइन हॉलो कैंडल्स इनको यूज़ नहीं करना है। तो ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कैंडलस्टिक्स, फिर मैं आपको अपनी फेवरेट स्ट्रेटजी स्टॉक्स की बताने वाला हूँ ठीक है। तो देखिए गाइज जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत लोगों को पता होगा सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है ठीक है, कम से कम 2 बार, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, जब 2 बार टाइम स्पेंड कर दिया तो उसी लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए और उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट ठीक है। सेम चीज़ मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रहा है और 2 बार टच कर चुका है, उसी लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए और उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन ठीक है। बहुत ही सिंपल है, चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एक आर्ट होती है, जितना ज़्यादा बार आप ड्रॉ करेंगे उतना आपको बढ़िया सीखने को मिलेगा। लाइव में मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, वहाँ पे लाइव एग्जांपल मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता रहता हूँ, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ठीक है। ट्रेंड लाइन भी सेम होती है, ऐसे एक डायगोनल लाइन होती है, एक एरिया होती है, मार्केट अगर उसको 2 बार टच कर चुका है उसी लाइन को एक्सटेंड कीजिए और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ठीक है। कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, HDFC बैंक का चार्ट खोलता हूँ ठीक है, मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। दो तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पहला 15 मिनट दूसरा 5 मिनट, पहला 5 मिनट एंड दूसरा 15 मिनट। 5 मिनट कितने में देखना है, 2 से 4 दिन के अंदर देखना है। 15 मिनट कब देखना है, 5 दिन से 2 से 5 दिन मान लीजिए, 5 से 10 दिन के बीच में, बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा सा पीछे जाइए, छोटा टाइम फ्रेम शॉर्ट वाला रहेगा ठीक है। क्यों बताया, बिकॉज दोनों टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना ट्रेंड लाइन भी
ट्रेंड लाइन का भी कंडीशंस वहीं पे अप्लाई होगा। 5 दिन के अंदर होगा तो 5 मिनट, 5 दिन से ऊपर है 10 दिन के बीच में है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इससे पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना लॉजिकल है, बट बहुत ज़्यादा लायबिलिटी मत दिखाई अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, देखिए गाइस, ठीक है। मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं देखूँ इस दिन मार्केट ओपन हुआ था तो मुझे पता था यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल नहीं करता अगर ब्रेकडाउन हुआ तो भी, बिकॉज नियर सपोर्ट मुझे यहीं पे देखने को मिलता है और मार्केट ने देखिए यहीं से कितना बढ़िया रैली अपसाइड की दिखाई है। तो नॉर्मल सपोर्ट हो गया। अगर मैं आपको रेजिस्टेंस की एग्जांपल दिखाऊं तो ये रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया। देखिए गाइस, आपको शाम को बैठ के बस रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने हैं, स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। देखिए 1 टाइम 2 टाइम टच किया, इसी लाइन को एक्सटेंड किया मैंने और वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लाइन हम लोग उसको बोलने वाले हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे एग्जांपल्स आप वीडियोस यूट्यूब से भी देख सकते हैं, बट वही है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुद नहीं कर पाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, फॉल 1 2 3rd टाइम देखिए मार्केट कितना बढ़िया अपसाइड की रैली दिखाया है। कुछ एग्जांपल मैं आपको ट्रेंड लाइन के दिखा देता हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गई, ठीक है, मार्केट देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम जैसे ब्रेक किया, एक बढ़िया रैली डाउनसाइड की देखने को मिली। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको मल्टीपल टाइम ड्रॉ करने पड़ेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉलो करने हैं, हमेशा की तरह कुछ ही लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉलो करने के लिए, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो गाइज यही है वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिनको आपको फॉलो करना है, ध्यान से देख लीजिए। अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार रिवर्सल मतलब देखना है, अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल में शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेयरी सिंगलफिंग एंड स्पिनिंग टॉप देखनी है, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुली सिंगलफिंग एंड स्पिनिंग बॉटम हम लोग क्या बोलते हैं डाउन साइड में देखने वाले, एक लॉन्ग लेग डोजी होता है। एक कंसेप्ट और आता है, 3 रेड कैंडल्स 3 ब्लैक क्रोज 3 ग्रीन कैंडल्स 3 वाइट सोल्जर्स, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। कवर क्या करने वाले हैं इसको आपको याद रखना है, बिकॉज यहीं से आपका स्ट्रैटेजी का पार्ट स्टार्ट होता है, स्ट्रैटेजी का पार्ट कि स्टॉक्स में कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई करनी है, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज अभी मेन पार्ट आता है और उस पार्ट का नाम है स्ट्रैटेजीज का, ठीक है। हमको सब चीज़ें तो पता चल गई, ठीक, पहला चीज़ पता चल गया कितनी कैपिटल है हमारे पास, आपको पता है कितना रिस्क लेना है, कितना टारगेट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये भी मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है, और लॉजिक भी समझा दिया कि स्टॉक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, और ऑप्शंस वाले भी स्टॉक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स अगर मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है तो स्टॉक्स में हर स्टॉक थोड़ी ना साइडवेज होगा भाई, मार्केट साइडवेज होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज होंगे, कुछ स्टॉक्स भी साइडवेज हो सकते हैं, बट कुछ स्टॉक्स ट्रेंडिंग होंगे 100% गारंटी के साथ। तो कैसे क्या बोलते हैं स्ट्रैटजीज को अप्लाई करना है उसको पहले देख लीजिए। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, एक सेकंड मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, यूट्यूब मैंने सर्च किया, सर्च कीजिएगा स्टॉक सेलेक्शन 1 डे बिफोर ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, ठीक है। इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, कौन सी वीडियो है ये ध्यान से देख लीजिए, 2 वीडियोस को आपको देखना है, इन दोनों वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, पहला ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला, कहाँ गया ये वाला, दूसरा ये वाला वीडियो, ठीक है, ये वाला नहीं सॉरी ये वाला वीडियो, ठीक है, इन दोनों वीडियोस को मैं ऐड कर दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है तो उसको आप देख लीजिएगा। ये 1 डे बिफोर का है, क्या मैंने बोला, ये 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, ठीक है, ठीक। अब लाइव मार्केट में कैसे करें, ठीक, 1 डे वाला थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए है जो थोड़े से स्पीड वाले मेंटेन किए हैं, लाइव मार्केट में कैसे करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन द जोन, बुक में साफ साफ डिस्कस किया गया है लास्ट चैप्टर्स में कि उनकी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटजी थी, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाइंग करो, ठीक, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाइंग करो। अब इतना ही आसान होता है, सभी पैसे बनाते रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे बाइंग करके, ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि हमें एक ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड, वी नीड अ ट्रेंड। ट्रेंड की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल स्ट्रैटजी, रिवर्सल स्ट्रैटजी एंड ब्रेकआउट स्ट्रैटजी, दो स्ट्रैटजी आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ठीक। रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए ट्रेंड। ट्रेंड क्या है वो समझ लीजिए, ट्रेंड का मतलब है मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड या फिर डाउनसाइड की एक रैली दिखाया हो और सपोर्ट पे आके टच करे, ठीक है, सपोर्ट पे आके टच करे या फिर रेजिस्टेंस पे आके टच करे, अगर रेजिस्टेंस को टच करेगा वहाँ से सेलर्स हावी होंगे और मार्केट नीचे गिरेगा। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा,
जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बताया ना, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। फर्स्ट टाइम गिरा, सेकंड टाइम गिरा, उसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बढ़िया अपसाइड की रैली दिखाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक ट्रेंड चाहिए ही चाहिए। वी नीड अ ट्रेंड। ट्रेंड कैसा होगा? एक बढ़िया ट्रेंड हो, मतलब एक रेंज बनी हो, एक अच्छी खासी रेंज बनी हो, ठीक है। 0.5%, 0.7%, 1% की रेंज हो जो कि फ़ायदेमंद होगी। देखिए मार्केट ऊपर गया, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल बनी है। क्या बोलते हैं इसको? बियरिस एंगल्फिंग कैंडल, बियरिस एंगल्फिंग। यहाँ पे आप ट्रेड लेते, देखिए मार्केट ऊपर गया, स्विंग हाई एसएल होता और देखिए कितनी बढ़िया रही डाउन साइड की देखने को मिली। बड़ी रिवर्सल कैंडल है, थोड़ा सा वेट करता मैं पुल बैक का, यहाँ ट्रेड लेता, स्विंग हाई एसएल यहाँ पे और एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। रिस्क रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करेंगे, पहले तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज टर्म में रिस्क। तो जैसा मैंने बोला था 0.2% का रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क आपका 1% से ज़्यादा का नहीं जाना चाहिए, तो 0.2% है, बहुत ही कम है। और आपको बहुत बढ़िया तरीके से 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट देखने को मिला। रेजिस्टेंस पे नॉर्मल लोगों ने सेल किया है। इस स्ट्रैटेजी को आप चाहे तो 5 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम 5 मिनट ही यूज़ करना पसंद करता हूं, ठीक है, बिकॉज ट्रेड अच्छे मिलते हैं। देखिए मार्केट सपोर्ट लिया वन टाइम, सेकंड टाइम मार्केट एक बढ़िया फॉल किया है। यहां पे देखिए मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, एक बढ़िया गैप अप हुआ, पॉज लिया, यहां पे आप ट्रेड लेते, इसी कैंडल के यहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है, और एक बढ़िया रैली आपको देखिए अपसाइड में देखने को मिली है। तो रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। यहां पे अगर आप देखेंगे पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने दिन का देखना है, 10 दिन मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको मैक्सिमम बढ़िया सेटअप मिल जाएंगे। मार्केट फॉल किया, ऊपर गया और देखिए एक बढ़िया फॉल दिखाया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बढ़िया रेंज बनाई, ये देखिए एक रेंज बनाई, एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन, और जैसे ही ब्रेक किया तुरंत ट्रेड लीजिए, स्विंग लो, स्टॉप लॉस, और देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल या फिर मोमेंटम कैंडल का यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको आराम से देखने को मिला है। तो ये रिवर्सल पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड जरूर होना चाहिए, ये ट्रेंड की डेफिनेशन हो, एक बढ़िया सपोर्ट हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। जो वॉचलिस्ट बताई है उसमें अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे दोपहर में 1-1 घंटे पे भी आके सर्च करते हैं तो आपको बढ़िया स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न कौन सा है उसको समझ लीजिए, वो है मेरा फेवरेट, एसेंडिंग ब्रेकआउट, डिसेंडिंग ब्रेकआउट एंड सिमेट्रिकल ब्रेकआउट, ठीक है। एसेंडिंग पैटर्न में रेजिस्टेंस होता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती है, अपसाइड का मोमेंटम देखते हैं, डाउन साइड अगर जाएगा तो 50% क्वांटिटी। डिसेंडिंग में अगर डाउन साइड का ब्रेक करता है तो ठीक है, डिसेंडिंग में डाउन साइड का ही देखते हैं, अगर अपसाइड का ब्रेक करेगा तो 50% क्वांटिटी। सिमेट्रिकल में आप दोनों साइड का ट्रेड देखते हैं, इसको बोलते हैं रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रायंगुलर पैटर्न्स की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ठीक, यहाँ से एक बढ़िया ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिली, ये और ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, आपने यहाँ सेल किया, स्विंग हाई स्टॉल, स्टॉप लॉस, और ये देखिए कितना बढ़िया रैली आपको डाउन साइड देखने को मिला। लगभग आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको टारगेट देखने को मिलते हैं। आई सजेस्ट आपको ट्रायंगुलर पैटर्न जरूर एंड जरूर अप्लाई करनी चाहिए। फिर से देखिए आपको थोड़े दिन बाद फिर बना, यहाँ पे मार्केट ने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया, ठीक, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस, सॉरी स्विंग लो स्टॉप लॉस, और देखिए कितना बढ़िया रैली आपको अपसाइड में देखने को लगातार मिली है। यहाँ पे फिर से देखिए हर जगह मिलेगा ट्रायंगुलर पैटर्न, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट किया, इसी कैंडल के लो पे मेरा एसएल होता, 0.36% का एसएल है, आपको आराम से 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल फॉलो कीजिए। एक वीडियो में मैं 1000 एग्जांपल दिखाऊंगा तो भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आई होप गाइस आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया एडवांस तक। एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट में लेके चलता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट के चैनल पे, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चैनल पे गए ना आप तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसको ज़रूर देख लीजिए गाइस, ट्रेडिंग कोर्सेज को देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।